नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, डेली एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। आज की क्लास के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। यह चैप्टर काफ़ी समझने योग्य है। आप इसे अच्छे से समझें, अपना नोट्स बना लें एवं समय समय पर रिवाइज करते रहें। निश्चित ही आपको परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आइए देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है। अब देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, यह प्रश्न भी कई दफ़ा बनते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा भाग लेती है। ये मुख्य घटक हैं। अब देखते हैं लोकसभा के अंतर्गत सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य हैं। इन 545 सदस्यों में 530 राज्यों से होते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश से एवं 2 सदस्य जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं वे मनोनीत होते हैं, और ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ध्यान दें, विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के अंतर्गत सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें कि 233 सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा किया जाता है एवं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं। आइए देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। एक विधायक का मत मूल्य होता है दोस्तों कि किसी भी राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुने 1/1000। फिर से देखते हैं कि किसी राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, किसी राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुने 1/1000। एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं बिहार की जनसंख्या दी गई है एवं बिहार में विधानसभा के सदस्य भी दिए गए हैं, तो हम आराम से एक विधायक का मत मूल्य निकाल सकते हैं। जनसंख्या बटे विधानसभा सदस्य गुना 1/1000। माना कि ये हमें 428 कुछ पॉइंट आ रहा है। अब हम लोग सीखेंगे एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य क्या होता है। तो दोस्तों, अभी हमने ऊपर निकाला एक विधायक का मूल्य, यहाँ पर होता है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। आप ध्यान से देखें, संसद सदस्य के मतों का मूल्य क्या होता है कि सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। इसे अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष ही कहते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी समस्या।
यदि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई समस्या होती है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया फैसला अंतिम होता है। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। एक कंडीशनल क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें कि हमें समझना जरूरी है कि यदि राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है तो इस बीच राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होता। आप ध्यान से समझें कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया गया लेकिन बाद में पता चला कि उनकी नियुक्ति अवैध रूप से की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इस बीच किया गया कार्य अवैध घोषित नहीं होता। अब देखते हैं राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली चुनने का कारण क्या था। ये चुनने का कारण था राष्ट्रपति को नाम मात्र कार्यकारी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो कार्यकारी होते हैं मुख्य कार्यकारी प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम से कम पावर देने के लिए एवं खर्चा, समय, ऊर्जा इत्यादि को बचाने के लिए राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुना गया। अब देखते हैं राष्ट्रपति की कुछ अर्हताएं, कुछ कंडीशन देखते हैं इसमें। वह भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो एवं 35 वर्ष का आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। ये सारी बातें होनी आवश्यक है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक होने जरूरी हैं। 1997 में ये 10 अनुमोदक एवं 10 प्रस्तावक होते थे। वर्तमान में 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक होते हैं एवं राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 होती है। ये राशि जब्त भी हो सकती है, पर ये जब्त होगी कब? तो दोस्तों ये जब्त होती है कब? जब्त होगी तब जब कुल मतों का, कुल वोट का 1/6 वोट भी कैंडिडेट को ना मिले तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के शपथ को। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। ये प्रश्न कई दफ़ा पूछा जा चुका है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। उनको राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि वे किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार। राष्ट्रपति को आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है एवं आधिकारिक कार्यों में विविध जिम्मेदारी से उन्मुक्ति। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें जेल भेजा जा सकता आधिकारिक कार्यों में, ध्यान रखें। अब देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। इससे पहले भी ये त्यागपत्र दे सकते हैं और ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। आप कंफ्यूज ना करें, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक और बात, जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले तब तक पूर्व राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति रहता है और भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है या चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की एक और प्रक्रिया है जिसे कि महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है और महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ध्यान रखें, अनुच्छेद 61 में महाभियोग संबंधी चर्चा की गई है। अब देखते हैं ये महाभियोग लगता कैसे है। महाभियोग लगाया जाता है जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में से कोई भी सदन प्रारंभ कर सकती है, लेकिन इसको प्रारंभ करने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना
आवश्यक है तथा आरोप लगाने के लिए 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना भी जरूरी है। अब देखते हैं, जैसे कि लोकसभा महाभियोग की प्रक्रिया अगर शुरू करे तो 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद यह महाभियोग जाएगा राज्यसभा में और लगाए गए आरोप की जांच की जाएगी। इसमें राष्ट्रपति भी उपस्थित हो सकता है और अपना बचाव कर सकता है। और इस जांच में अगर आरोप सही है तो राज्यसभा भी 2/3 से बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। अब देखते हैं महाभियोग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। महाभियोग में राज्य विधानसभा सदस्य अर्थात राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश के जो सदस्य होते हैं वे भाग नहीं लेते। इन प्रश्नों को आप जरूर से ध्यान में रखें, ऐसे प्रश्न कथन एवं कारण वाले बन सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति के महाभियोग में राज्य विधानसभा सदस्य अर्थात राज्य एवं केंद्र शासित के सदस्य भाग नहीं ले सकते। संसद के वे सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, मतलब नामांकित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वे प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वर्तमान में अभी तक राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अब देखते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो, या राष्ट्रपति का पद कितने प्रकार से खाली होता है, उस स्थिति में क्या किया जाता है। पहला देखते हैं, कार्यकाल के समाप्त होने पर यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो इस स्थिति में कार्यकाल समाप्त होने से पहले नया चुनाव करा लिया जाता है। यदि चुनाव में देरी हो तो पुराना राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति रहता है और ऐसे समय में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। दोस्तों, इस लाइन को आप गहन से समझने की कोशिश करें। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यदि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, ऐसी तो कोशिश यह रहती है कि कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव करा लिया जाए, लेकिन यदि फिर भी लेट हो तो पुराना वाला राष्ट्रपति मतलब जो पद पर पहले थे वे ही राष्ट्रपति रहते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह कार्य करने का अधिकार नहीं है। अब देखते हैं, महाभियोग लगाने पर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। निर्वाचन अवैध होने पर, उसके बाद त्यागपत्र देने पर तथा मृत्यु होने पर, ये निर्वाचन अवैध, त्यागपत्र एवं मृत्यु होने पर इन स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर कराना अनिवार्य है और तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। केवल इस 3 स्थिति में, निर्वाचन अवैध होने पर, त्यागपत्र देने पर एवं मृत्यु होने पर, 6 महीने के अंदर चुनाव आवश्यक है और इन 6 महीनों तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अब देखते हैं, यदि राष्ट्रपति बीमार हो एवं अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य कर सकता है। अब यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की जगह कार्य कर सकता है। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कई सारी शक्तियाँ होती हैं, जिसमें कि कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कूटनीति शक्ति, आपातकालीन शक्ति, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति एवं विधायी शक्ति। कुल
सात प्रकार की शक्ति हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कूटनीति शक्ति, आपातकालीन शक्ति, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति एवं विधायी शक्ति। अब हम लोग देखते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। भारत सरकार के शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति नियम बना सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। महान न्यायवादी, जिनके बारे में अनुच्छेद 76 में चर्चा किया गया है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एवं कैग, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। केंद्र एवं राज्य के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह प्रश्न कई दफ़ा पूछा जा चुका है। अब देखते हैं, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना या ना करना, यह राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति प्राप्त है। ध्यान से देखें इसको। अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन करना राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत आता है। केंद्र का प्रशासनिक एवं विधायिका से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से लिया जा सकता है। ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए प्रधानमंत्री से कहा जा सकता है, जो कि किसी मंत्री के द्वारा लिया गया हो, लेकिन पूरी मंत्री परिषद ने इसका अनुमोदन अथवा विचार नहीं किया हो, तो ऐसा कोई भी निर्णय के बारे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संज्ञान ले सकते हैं। दोस्तों, ये था राष्ट्रपति का पहला पार्ट। आप इसे या इस लेक्चर में लिखी गई कही गई बातों को ध्यान रखें, इसे नोट्स बना लें एवं समय समय पर रिवाइज करते रहें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यह नोट्स काफ़ी कंसाइज करके परीक्षा के लिए एक अति उपयोगी के रूप से ही बनाया गया है। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।